चलो बोलो। हाँ सर, जो आप ये देख रहे हैं ये बसारीपुर ग्रसित है इस पानी से, इतनी ग्रसित हो गई है। अब आगे चलिए, आगे आपको घर मिलेगा जहाँ पर गाय भैंस इतनी खुशहाली रहती थी। गांव के लोग आके बैठा करते थे, अब यहाँ पर कोई नहीं है, ना गाय है ना भैंस है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आके बच्चे खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ये देखिए जो पानी से ग्रसित हो गई है, यहाँ पर हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है हमारी सरकार, ये पूछने वाले हम सब हैं। ये हमारी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पता नहीं क्या कर रही है ये पानी से ग्रसित के लोगों के लिए। कुछ ना ही अनाज, ना ही खाना, ना ही पानी, कुछ ढंग से नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये आप पानी देख रहे हैं, पूरे ये गांव की अभी शुरुआत है। गांव के एंड में कहीं आपको सूखा मिले, चाहे गांव के एंड में भी अब पानी आ जाएगा कुछ दिनों में। तो ये हमारी सरकार जो है, जो यहाँ का MLA है, वो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी हाथ से हाथ धर कर बैठे हैं। लग रहा है यूं कि वो खुशहाल मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हम किस दिन रात के लिए उन्हें वोट दिए थे, किस काम के लिए वोट दिए थे, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये देख रहे हैं, आ जाइए, आपको अपने मित्र के घर का आपको दिखलाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। ये देखिए सारा बेघर हो गया है। बोल बेघर हो गया ये, इसका नाम नफीस है ये। अरे नहीं यार, अरे इधर देख, ना करती थी। ये देखिए, ये बेघर हो गया है, ये बेघर होके यहाँ पर आ गया, इसका घर दिया ना। बेचारा रो रहा है, रो रहा है, बेघर हो गया है, रो रहा है, ये रो रहा है। आ जाओ, क्या है,